अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है सी लैंग्वेज में। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या चीज़ है कि जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है, एग्जीक्यूशन के फ्लो से मुराद कि जिस तरतीब से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं उस फ्लो को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, यानी किस तरतीब से स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होगी। अब देखें, प्रोग्राम हम लिखना शुरू करते हैं उसमें हम सबसे पहले मेन प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। जो फाइल्स इंक्लूड होती हैं वो तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, उसमें जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन हमने लिखी हुई होगी। अब चाहे वो हमने कोई वेरिएबल्स किए हुए हों डिक्लेयर, या हम लोगों ने वहाँ पर CLR SCR फंक्शन लिखा हुआ हो, फिर उसके बाद जितनी भी आगे स्टेटमेंट्स आती जाएंगी वो सारी तरतीब एक तरतीब में लिखी हुई है। तो जब एग्जीक्यूट होना होता है प्रोग्राम तो सबसे पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर उससे अगली होती है, फिर उससे अगली होती है। तो ये जो तरतीब है कि किस तरतीब में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ये कहलाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो अभी तक हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स देखी हैं उनमें तो सीधे सीधे प्रोग्राम्स थे, उसमें तो जिस तरतीब में स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी उसी तरतीब में एग्जीक्यूट हो रही थी। एग्जाम्पल्स आपने देखी हैं जो मेरी पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको करके दिखाई। तो अब देखते हैं कि किस किस्म के और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और अब ये हमारा जो असल में हम जिस तरफ जा रहे हैं वो है हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर, यानी जिसमें हम लोग इफ कंडीशन लगाते हैं और फिर सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बेस पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। तो तीन तरह के हैं हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर, एक है सीक्वेंस, एक है सिलेक्शन और एक है रेपिटिशन। सीक्वेंस का मतलब है कि जिस तरतीब से आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं उसी तरतीब से वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जो जो स्टेटमेंट पहले आ रही है पहले वो होगी, फिर सेकंड नंबर वाली, फिर थर्ड नंबर वाली, फिर फोर्थ नंबर वाली, एंड सो ऑन, और फिर सबसे लास्ट वाली। तो जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि आप कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन का मतलब है कि आपने कोई शर्त रख दी है, उसके ट्रू या फॉल्स होने की बेस पर आपकी कुछ स्टेटमेंट्स या एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके ट्रू या फॉल्स होने की बेस पर ही कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, और जो रेपिटिशन है उसमें ये होता है कि आपकी कोई एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार एग्जीक्यूट हो रही हैं। यानी हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हम उनको बार बार एग्जीक्यूट करें, तो कितनी बार हमने एग्जीक्यूट करना है वहाँ हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने टाइम्स ये हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो उस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेपिटिशन। ठीक है, उसमें लूप्स आ जाते हैं। तो अब जितने भी प्रोग्राम्स हैं हर एक के अंदर ये तीनों चीज़ें मिलके यूज़ हो रही होती हैं तो हमारा एक प्रोग्राम जो है वो बनता है। अब देखें सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या था कि इसमें ये हमारा डिफ़ॉल्ट फ्लो है। ठीक है, इसको हम डिफ़ॉल्ट फ्लो भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा था, स्टेटमेंट वन, फिर उसके बाद स्टेटमेंट टू, फिर आगे स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर, एंड फिर वो आगे सो ऑन चलती जा रही है लास्ट स्टेटमेंट तक। तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर, जिसमें हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक ही तरतीब के साथ जिस तरतीब में लिखी हुई हैं उसी तरतीब में एग्जीक्यूट हो रही हैं। जो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, इसमें देखिए कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। किसी कंडीशन की बेस पे सिलेक्शन स्टेटमेंट ने किसी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को या दूसरे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो ट्रू होने की सूरत में एक सेट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होने की सूरत में दूसरा। ठीक है, और कौन कौन से हैं हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर, एक तो है हमारे पास सिंपल इफ, जिसमें क्या होता है कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो कोई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। दूसरा स्ट्रक्चर है इफ एल्स, इसमें ये होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है और अगर फॉल्स हो रही हैं तो उसके नतीजे में कोई दूसरा जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर है इफ एल्स, इसमें हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। यानी इफ एल्स में तो हमें दो ऑप्शंस मिल रहे थे ना, कि एक ट्रू होने की सूरत में एग्जीक्यूट हो रहा था और एक फॉल्स होने की सूरत में एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन इफ एल्स इफ में हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे कि पहले एक कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू नहीं है फिर अगली चेक होगी, अगर वो ट्रू नहीं है फिर अगली चेक होगी, अगर वो ट्रू नहीं है फिर अगली चेक होगी। तो इसी तरह उनमें से जो एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसकी सूरत में एक स्टेट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा।
और बाकी जो है वो इग्नोर हो जाएंगी। और इसके अलावा इसी तरह ढेर सारे ऑप्शंस में से जब हमें किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो हमारे पास स्विच स्ट्रक्चर भी मौजूद है। अब ये देखें रेपिटेशन स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि रेपिटेशन स्ट्रक्चर में हमने कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना है। आप ये एक डायग्राम में देख रहे हैं कि एक लूप बन रहा है। कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, जब तक ट्रू रह रही है तब तक ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो बार बार एग्जीक्यूट हो रही हैं। ये मैंने एरो लगाया स्टेटमेंट्स की तरफ और स्टेटमेंट से दोबारा कंडीशन की तरफ एरो लगा दिया कि एक दफ़ा कंडीशन ट्रू हुई, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, अगली दफ़ा फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी, अगली दफ़ा फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, फिर से कंडीशन चेक होगी। अब जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका वो जो फ्लो है वो इस लूप से बाहर आ जाएगा और जो उस कंडीशन के आगे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दी हुई होगी फॉल्स होने की सूरत में हम उस स्टेटमेंट पर आ जाएंगे और प्रोग्राम की वो वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आइट्रेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, लूप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आइट्रेशन आ रही हैं। आइट्रेशन का मतलब है रिपीट हो रही हैं स्टेटमेंट्स आपकी, आइट्रेट होने का मतलब होता है रिपीट होना। ठीक है, तो जो रेपिटेशन स्ट्रक्चर है कौन कौन से हैं, आपने सी में कौन कौन से पढ़ने हैं, फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। ये तीन लूप्स जो हैं ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक चीज़ होती है फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल को हम एज मतलब एग्जैक्टली सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं लेते हैं, सॉरी कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं लेते हैं, लेकिन फंक्शन कॉल में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि हम फ्लो से जिस तरतीब से जिस फ्लो से एग्जीक्यूट हो रही थी स्टेटमेंट्स वो फ्लो टूटता है, हम किसी फंक्शन की तरफ उसकी बॉडी की तरफ जाते हैं, फिर वहाँ से रिटर्न आते हैं, रिटर्न आके तो फिर उसके नीचे जो बाकी की स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे आपका मेन फंक्शन है इसी तरह सी प्रोग्राम के अंदर हम और भी मजीद फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए। ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वाली बात हमने पढ़ी थी ना कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम को छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ही हैं जिनके अंदर हमने जो प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे काम हो रहे हैं उनको इन फंक्शंस में या इन स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर दिया। तो हमें उन कामों में से जिस काम की ज़रूरत पड़ती है हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। आप ये देख रहे हैं कि स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती आ रही हैं डायग्राम में, यहाँ पर आ गया फंक्शन कॉल। जब फंक्शन कॉल आई मतलब हमने किसी एक फंक्शन को मेन के अंदर कॉल किया हुआ है, हम किसी और फंक्शन को किसी और फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन हमने जब किसी फंक्शन को फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करवाना होता है तो हम पहले उसको मेन से एग्जीक्यूट कर सॉरी कॉल करते हैं। ठीक है, तो अब मेन से हमने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही थी, हमने एक फंक्शन को कॉल किया, हम उस फंक्शन की बॉडी में चले गए। जैसे मेन की बॉडी लिखी हुई होती है इसी तरह उस फंक्शन की भी बॉडी लिखी हुई होगी, हम वहाँ चले गए। अब उस फंक्शन की अपनी स्टेटमेंट्स हैं, उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई हैं, फिर हम वहाँ से हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ किया है वहाँ से वापस आने के लिए। और रिटर्न स्टेटमेंट ज़रूरी भी नहीं कि हम वहाँ पर यूज़ करें, अगर हमने कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, अदरवाइज जब वहाँ की स्टेटमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं अपना काम करना तो फिर हम उस फंक्शन से ऑटोमेटिकली वापस आ जाते हैं जहाँ से हमने उस फंक्शन को कॉल किया था। अब यहाँ तक तो फ्लो टूटा था मेन फंक्शन का। ठीक है, उसके बाद जब हम वापस आ गए हैं तो फिर उसके नीचे जो आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट्स आ रही थी वो एग्जीक्यूट होंगी। तो फंक्शन कॉल को भी हम फिर इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो टूट रहा है, इसकी वजह से उस सीक्वेंस को तोड़ के हम किसी और फंक्शन की बॉडी में जा रहे हैं, फिर वहाँ से वापस आ रहे हैं और फिर बाकी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो